स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय हॉकी की दीवार कहे जाने वाले दिलीप तिर्की हमारे साथ हैं यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम। यही वो स्टेडियम है जहाँ पे 2018 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। दिलीप भाई उड़ीसा से आते हैं, और हॉकी के लिए क्या उम्मीदें हैं आपको? इस देखिए, अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को कि कई सालों में हॉकी को बढ़ाने के लिए और किस तरीके हॉकी और डेवलप उसके बारे में सोच रहे हैं, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स सब ऑर्गेनाइज किए हैं, वर्ल्ड हॉकी लीग किए हैं, चैंपियन ट्रॉफी किए हैं, और इस बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, जो कि मेरे ख्याल से आज के तारीख वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम, और सभी टॉप टीम सभी प्लेयर यहाँ पे खेलना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ लोग पब्लिक रियली हॉकी को प्यार करते हैं, हर एक आप जितनी मैच देखे होंगे पैक रहता है। सो रियली मेरे ओर से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दिलीप भाई सही कहा आपने, लोग खेलना तो चाहते ही हैं पर यहाँ पे लोग देखना भी चाहते हैं। छोटा सेंटर है, हमने देखा है कि यहाँ पे जो मैचेस होते हैं, हालांकि अब दिल्ली और मुंबई से शिफ्ट होके अब देखते हैं भुवनेश्वर रांची में ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, और रिस्पॉन्स भी उस हिसाब से मिल रहा है। वर्ल्ड कप को लेके हम देख रहे थे कि इंडियन टीम को क्या कैसे आंकते हैं आप? देखिए, इस वक्त जो इंडियन टीम है, हम जैसे मैंने देखा लास्ट कुछ टूर्नामेंट उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। सो मुझे उम्मीद है जो यंग लड़के हैं और जो सीनियर लड़के दोनों मिक्स में वर्ल्ड कप में डेफिनेटली बेटर टीम होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में होम ग्राउंड भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम हमेशा के लिए लकी रहा है और वर्ल्ड कप में लकी रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दिलीप भाई, धनराज पिल्ले के साथ बहुत लंबे अरसे आपने खेला है, आज उनके विरुद्ध आप खेल रहे थे, उनके अगेंस्ट खेल रहे थे और आपकी टीम विजेता भी रही, तो कुछ ये है कि ब्रैगिंग पॉइंट्स आपने लिए हैं कि आप बता सके धनराज पिल्ले को, काश अगर हमारे ऑपोजिशन में खेला होता तो क्या होता? धनराज पिल्ले के बारे में जितना कहूँगा उतना कम होगा, एक वर्ल्ड हॉकी के एक लेजेंड है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, रह चुके हैं और बेस्ट फॉरवर्ड में चुने गए हुए हैं। सो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जब भुवनेश्वर में आए, हॉकी को प्रमोट किए, हमारे यूथ को प्रमोट किए, और हम धनराज पिल्ले के खेल को हमारे उड़ीसा में कभी मेरे ख्याल से खेले नहीं हैं तो खेले, और मुझे भी खुशी है इस बात का कि काफ़ी सालों के बाद आज अपोजिट साइड में खेले और अच्छा मैच रहा। दिलीप भाई, एक आखिरी सवाल पूछूँगा कि आप एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स हमने देखे हैं कि ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत बस अरे अरे धनराज भाई भी आ गए, धनराज भाई भी जब, अरे अच्छा अच्छा चलिए, मेरे को लग रहा दिल्ली से आया है, अरे हम भी दिल्ली से आए धनराज भाई, अरे अरे सर थैंक यू वेरी मच, सो दिलीप तिर्की सर थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, हाँ ये हुई ना बात। सो आप जैसे देख सकते हैं धनराज भाई और दिलीप भाई दोनों, और धनराज भाई आप कुछ बोल रहे थे आप? ए भाई चलना, थैंक यू बोलना यार, आज हमारे बीच धनराज और दिलीप है, आज हमारे बीच धनराज और दिलीप तिर्की हैं, धनराज पिल्ले और दिलीप तिर्की। आप दोनों की हमने कभी राइवलरी नहीं देखी, आज पहली बार आमने सामने आप दोनों उतरे, और जिस हिसाब से दर्शकों का उत्साह था देखते बना, काफ़ी सालों के बाद धनराज के ऑपोजिट में खेलने के लिए मुझे पड़ा, क्योंकि धनराज आप जानते हैं एक लेजेंड है हॉकी के, काफ़ी बड़ा नाम है वर्ल्ड हॉकी में, और काफ़ी सालों के बाद उन्होंने भी हॉकी पकड़ी, मैं भी काफ़ी सालों का हॉकी पकड़ी, लेकिन मुझे खुशी इस बात का है कि भुवनेश्वर में मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में धनराज पिल्ले कभी खेलने का मौका नहीं मिला था मेरे ख्याल से, ब्लू पिच पे नहीं मिला। हाँ या, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे भुवनेश्वर के जो लोग हैं, क्राउड हैं, धनराज पिल्ले गेम को देखते हुए खुशी। अच्छा, आप दोनों मुझे पता है जल्दी में है, नवंबर दिसंबर में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, हम आप दोनों को यहीं देखेंगे इसी जरूर 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 हम यहाँ ही रहेंगे, मेरी टीम को चेयर करेंगे, भुवनेश्वर के क्राउड से एक ही विनती है कि आप लोग आए और हमारी टीम को चेयर अप करें और हर वो मैच हम लोग जीते और सेमीफाइनल में पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।